हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएमआर में। दोस्तों ये वीवो का फ़ोन है। दोस्तों वीवो के फ़ोन में यदि आपका जो है अनेबल टू चार्जिंग बता रहा है तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों इसमें आपने अगर चार्जिंग कनेक्टर चेंज कर लिया फिर भी आपका यही प्रॉब्लम बता रहा है, बैटरी चेंज कर लिया है फिर भी यही प्रॉब्लम बता रहा है, तो बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा दोस्तों जो है अनेबल टू चार्जिंग का। दोस्तों तो यह होता है कि हमारा फ़ोन जो है अनेबल टू चार्जिंग बताता है तो हम इसका चार्जिंग पिन भी बदल देते हैं, चार्जिंग सॉकेट भी बदल देते हैं फिर भी यही प्रॉब्लम बताता है, चार्जिंग पत्ता बदल देते हैं फिर भी यही प्रॉब्लम बताता है, बैटरी चेंज कर देते हैं फिर भी यही प्रॉब्लम बताता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को जो है खोल लीजिए। खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जो सेंसर लगा हुआ है सेंसर को यहाँ पे आपको मतलब ये बोर्ड निकाल लीजिए। चलिए पूरा स्क्रू खोल लेते हैं। स्क्रू खोलने के बाद जो है यहाँ पे जो सेंसर लगा हुआ है सेंसर को क्या करना है, आपको सेंसर के पॉइंट को आपको टेप से ढक देना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, सेंसर के पॉइंट को आपको जो है टेप से ढक देना है। तो चलिए सेंसर के पॉइंट को हम जो है सबसे पहले ढक देते हैं। दोस्तों आपने सब कुछ चेंज करके ढक चुके हैं तो जो है इस ट्रिक का जरूर इस्तेमाल कीजिए, इस ट्रिक से जो है आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों चलिए आपको इसको करके दिखाता हूँ। दोस्तों तो चलिए यहाँ पे हमने सब कुछ बैटरी चेंज किया, चार्जिंग पिन चेंज किया, चार्जिंग सॉकेट, चार्जिंग पत्ता सब कुछ चेंज कर लिया फिर भी अनेबल टू चार्जिंग बता रहा था, तो मैंने जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल किया, जो है सेंसर के पॉइंट को ढक दिया है। आप या तो सेंसर निकाल दीजिए या तो सेंसर के पॉइंट को ढक दीजिए। दोस्तों बोर्ड से जो है सेंसर का पॉइंट मतलब जो है टच नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हमने टेप लगा दिया। टेप लगाने के बाद दोस्तों हम बोर्ड को सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद आपको चेक करके दिखा रहे हैं कि जो है हमारा प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ। पहले तो अनेबल टू चार्जिंग कर रहा था, तो चलिए हमने बोर्ड को अच्छी तरीके से इसमें बैठा लिया है। इसके बाद आपको चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर एक स्क्रू टाइट कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो चलिए अब आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों देखिए अब यहाँ पे हमारा जो है फोन चार्जिंग होने लगा, अब हमारा फोन जो है चार्जिंग हो रहा है, अगर चार्ज नहीं बता रहा दोस्तों तो कैसा लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। ये देखिए चार्ज होने लगा हमारा फोन, तो बहुत ही खुशी ठीक है। दोस्तों आपको सेंसर को निकाल लेना है या फिर सेंसर के पॉइंट को अच्छी तरीके से ढक देना है। दोस्तों आपका जो है सेंसर से प्रॉब्लम होता है अनेबल टू चार्जिंग का। दोस्तों यहाँ पे चलिए फिर से चेक करके दिखा देता हूँ। चलिए ये देखिए चार्ज हो रहा है। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।